हाय दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सके तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। है भजन संहिता 110। दाऊद ने इस भजन को पवित्र आत्मा से भरकर कहा है और ये ऐसा कुछ बन गया है कि नए नियम के लोग स्वयं यीशु का उदाहरण दे रहे थे। एक बार उन्होंने इस भजन से मत्ती में उदाहरण किया, मत्ती में, ठीक है। तो आइए हम इस भजन को देखते हैं। ये एक मसीही भजन है जिसका अर्थ है ये एक ऐसा भजन है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है। तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ध्यान दे पहले प्रभु और दूसरे प्रभु, पहली रेखा में ध्यान दें किस प्रकार से ये लिखा गया है। पहले प्रभु बड़े अक्षरों में है और दूसरे प्रभु में केवल एल बड़ा है। इब्रानी में इसका अर्थ है प्रभु के लिए दो भिन्न प्रकार के शीर्षक दिए गए हैं। पहला वाला सभी बड़े अक्षर यहोवा या याहवे हैं। याहवे ने मेरे आदोनाय से कहा, पिता पुत्र और प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं। प्रभु याहवे आदोनाय से कहते हैं तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। ठीक है, पिता ने यीशु से कब कहा? जब उन्होंने पाप मृत्यु और नरक पर विजय प्राप्त कर ली और वो मरे हुए में से जीवित हुए, आमीन, और देह के साथ पिता के पास वापस लौट गए। पिता ने कहा मेरे दाहिने हाथ पर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी बनाता हूं। अब मेरी कुर्सी आ रही है, मुझे इसे समझाने दीजिए, ठीक है। ये सिंह है पर ये एक पल के लिए काम आएगी। हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पिता ने यीशु से कहा बैठ जाओ जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी ना बना दूं। क्योंकि उन दिनों में हालांकि यीशु ने शत्रुओं पर जय पाई है फिर भी अब तक वो उनके चरणों की चौकी नहीं बने हैं। उन दिनों में जब देश युद्ध के लिए जाते थे, जब एक देश का सेनापति युद्ध के लिए जाता है और दूसरा राजा उसके देश पर चढ़ाई करता है और यदि उसकी सेना जीतती है तब होता यह था कि वो राजा उसके प्रधान और सभी कप्तानों को अपने देश में घसीट कर और जंजीरों से बांध कर ले जाता था और राजा अपने सिंहासन पर बैठता था और फिर दूसरे देश के राजा के प्रधान को लाया जाता था और वो उन्हें झुकाते थे और फिर राजा उनके ऊपर अपने पांव को रखता था। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, तब सभी लोग ललकारते थे। अब ये वो संदेश है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझसे कहा पुत्र लोगों से कहो कि वो मेरे सिंहासन का स्वभाव रखें। यीशु ने आपसे कहने के लिए कहा है कि सिंहासन के स्वभाव को रखिए। वो अपने सिंहासन पर विराजमान है ना? क्या है उनका स्वभाव? यीशु का स्वभाव ये है, वो विराजमान है, वो बैठे और अपेक्षा करते हैं कि पिता एक एक करके उनके सभी शत्रुओं को उनके पांव के नीचे लेकर आएंगे। बीमारी उनके पांव के नीचे होगी, गरीबी उनके पांव के नीचे होगी, तनाव श्राप घटी पांव के नीचे होगी। आमीन, क्या आप सुन रहे हैं? ठीक है, अब हम कहां पर हैं? हम मसीह के साथ बैठे हैं, हम मसीह की देह में हैं। तो परमेश्वर वास्तव में यीशु के पांव के नीचे हैं, मसीह के देह के पांव के नीचे हैं। यदि आप इफिसियों को पढ़ेंगे तो कहता है कि परमेश्वर हर चीज को उनके पांव के नीचे लाएंगे जो कि उनकी देह है, यानी कलीसिया। ये कितनी सुंदर बात है। तो ये हमारे पांव के नीचे आएगा तो आप अचानक पाएंगे कि आपकी समस्याएं अब और नहीं रहेंगी। अब ध्यान से सुनिए, मैं यही बात पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबके सामने लाना चाहता हूं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जब तक तुम्हारे शत्रु नष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं सुलझ नहीं जाएंगी तब तक तुम विश्राम कर सकते हो। उन्होंने ये नहीं कहा, वो कहते हैं विश्राम करो पहले जब तक मैं बनाता हूं। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? ये सामर्थ्य है, सामर्थ्य सत्य है। हम चाहते हैं हमारी समस्याएं सुलझ जाएं, तब हम कहते हैं कि हम बैठेंगे। यदि डॉक्टर मुझसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं बैठ जाता हूं, तब मैं विश्राम कर सकता हूं। ये विश्राम नहीं है, ये बैठना नहीं है, ये केवल मानव प्रतिक्रिया है और कुछ नहीं है। आमीन। और शैतान अग्नि को जागृत करना चाहता है। आप उन छोटी झाड़ियों की अग्नि को जानते हैं क्योंकि यहां प्रतिज्ञा की भूमि है। चलिए इस जगह को प्रतिज्ञा की भूमि मान लेते हैं, इस मंच से अंत तक बची हुई भूमि, यह है विश्राम की भूमि। और प्रभु आपसे कह रहे हैं पुत्र मेरे विश्राम में प्रवेश करो, आओ मेरे विश्राम में कदम रखो, मेरे विश्राम में अपनी उलझी हुई समस्याओं और अपने शत्रुओं के साथ जो तुम पर आक्रमण कर रहे हैं और आप अब भी अपने शत्रुओं के आक्रमण में हैं, तो मेरे विश्राम में कदम रखो। और इसके बजाय आप जानते हैं शैतान क्या करता है? आप जानते हैं जैसे हम विश्राम की ओर बढ़ते हैं, हम इस प्रकार के संदेश को सुनते हैं, आपका दिल कुछ कहता है हाँ मैं इस जीवन को जीना चाहता हूं, आपका दिल कहता है मैं विश्राम में शांति में जी सकता हूं, ठीक है। पर जिस पल आप शांति की ओर चलते हैं वो अग्नि को शुरू करता है, तो आप रुक जाते हैं और अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करते हैं और तब आपके पीछे कुछ जलता हुआ महसूस होता है।
आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि उसने दूसरे व्यक्ति को भी शुरू कर दिया है और जैसे अग्नि बुझ रही है, जैसे ही अग्नि बुझ रही है आप मुड़ते हैं, वहां दूसरी अग्नि है, आप अग्नि को बुझाते हैं और जैसे ही ये अग्नि बुझती है दूसरी फिर से शुरू हो जाती है और आप जान नहीं पाते कि ऐसा क्या हो रहा है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। आप अग्नि के बाद अग्नि बुझाते ही चले जा रहे हैं और आपने ध्यान दिया आप विश्राम में नहीं चल रहे हैं। एक ऐसी पीढ़ी थी जो उस भूमि पर नहीं जा पाई और इसमें हमारे सीखने के लिए एक शिक्षा है। आपको इसराइल की संतान याद है क्या? कादेश बर्निया पर, कहें कादेश बर्निया। कादेश बर्निया सूखी भूमि और प्रतिज्ञा की भूमि के बीच की सीमा रेखा है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें भूमि दी है, ठीक है। अब उनकी स्थिति क्या थी? कहा था हम जासूस भेजेंगे जानने के लिए कि परमेश्वर सही है नहीं, तो उन्होंने 12 जासूस भेजे 40 दिनों के लिए और उन्होंने भूमि को जांचा और जब वो बाहर आए उनमें से 2 एक बांस लिए थे जिसमें अंगूर के बड़े गुच्छे लदे हुए थे और ये भूमि का फल है। और उनमें से 2 जासूस यहोशू और कालेब वो चिल्लाए आओ हम एक बार में जाएं, मुझे ये एक बार पसंद है, चलो एक बार में चलते हैं और भूमि को ले लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिया है। और उनमें से 10 कहते हैं कि ओ नहीं, हम उस भूमि को नहीं ले सकते क्योंकि जब हम वहां थे हमने देखा अनाकिम्स को। अनक एक दानों की जाति थी, इज़राइल के शत्रु, वो बहुत ही लंबे थे, ठीक है। और इब्रानियों में अनक नाम का अर्थ है गले में लोहे की जंजीर, गले में लोहे की जंजीर। वो एक जुआ है, धर्म का जुआ, व्यवस्था का जुआ, आमीन। ये आपको विश्राम में प्रवेश करने से रोकेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोग बहुमत पर विश्वास करते हैं तो इज़राइल के बच्चे कहते हैं ओ वो रोने लगते हैं हम उस भूमि को नहीं ले पा रहे हैं। अब कौन कह रहा है कि हम नहीं ले पा रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो भूमि दे दी है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें वो भूमि दी है और फिर भी वो बहुत उदास हो गए, विश्वास करने से इनकार कर दिया, वो पूरी रात रो रहे थे। ये कहते हुए कि परमेश्वर हमें यहां पर मरने के लिए लाया है, परमेश्वर हमें बाहर लाया है पर अंदर ले जाने के लिए नहीं। आप में से कई लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए विश्वासी हैं पर आप में से कई लोग विश्वास करने के लिए विश्वासी नहीं है कि यीशु आपको बहुतायत, स्वास्थ्य और आशीष की भूमि तक ले जाएगा। आपके पास बाहर आने का विश्वास है, आपके पास अंदर जाने का विश्वास नहीं है। और मेरा यह प्रचार करने का इरादा है कि आज रात अविश्वास आपके दिल से बाहर जाए, आमीन। अब जानते हैं सबसे दुखद बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही है, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि मेरे लोग आज भी चंगाई को एक कार्य के रूप में देखते हैं, मेरे लोग आज भी चंगाई को कार्य के रूप में देखते हैं, ठीक है। मैं आपको यह दिखाऊंगा, इस कहानी को देखते हैं। यीशु ने क्या कहा? एक ऐसा मनुष्य था जिसे 38 वर्षों से रोग था, जब यीशु ने उसे वहां पड़ा हुआ देखा। आप इस कहानी को जानते हैं। यीशु ने कहा क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? खैर उसने बहुत बहुत सारे बहाने किए, तब यीशु ने कहा वचन 8 उठो अपनी खाट उठाओ और चलो। तुरंत वो मनुष्य चंगा हो गया, अपनी खाट को उठाया और चलने लगा और वो सबत का दिन था। यहूदी ने कहा कि कौन चंगा हुआ, आज तो सबत का दिन है, अपनी खाट उठाना तुम्हारे लिए व्यवस्था अनुसार सही नहीं है। अब देखिए उसने इसका क्या उत्तर दिया। उसने कहा जिसने मुझे चंगा किया मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल। जिसने मुझे क्या? जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा अपनी खाट उठा और चल। उन्होंने कैसे उत्तर दिया? उन्होंने उसे पूछा वो कौन है जिसने तुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल। देखिए उन्होंने उसे क्या पूछा, बजाय इसके कि कौन मनुष्य है जिसने तुम्हें चंगा किया है, बल्कि पूछा कौन है जिसने कहा कि अपनी खाट उठा। लड़के ने उत्तर दिया जिसने मुझे चंगा किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसने तुम्हें चंगा किया कौन है वो, उन्होंने ये नहीं पूछा। अब वचन 16 इसी वजह से यहूदियों ने यीशु को सताया और उन्हें मारने का षड्यंत्र बनाया क्योंकि उसने इन कार्यों को सबत के दिन पर किया। अब ये आखिरी पद इन कार्यों को सबत के दिन पर कहा, यूनानी में नए नियम में यूनानी में लिखा है, वास्तव में यूनानी एक अतीत काल है। जी हां यूनानी में ये एक अतीत काल है और इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि यीशु के लिए सबत के दिन पर चमत्कार करना व्यावहारिक था। वो अतीत काल है जिसका अर्थ है सबत के दिन पर चंगाई के चमत्कार करना आदत थी। ये बहुत बहुत दिलचस्प है जब मनुष्य विश्राम करते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं हमारी देह को चंगा करते हुए। जब मनुष्य कार्य करता है परमेश्वर विश्राम करते हैं। जी हां तब परमेश्वर विश्राम करते हैं। बाइबल में अधिक चमत्कार हैं, अधिक चंगाई है और बाकी सारे दिनों के सबत के दिन चमत्कार होते हैं जब मनुष्य विश्राम करता है। दिलचस्प है ना? आप जानते हैं क्या प्रभु ने मुझसे हाल में ही कहा मेरे लोगों के अंदर
फरीसियों के समान मानसिकता है। वो सोचते हैं कि चंगाई मनुष्य का कार्य है, वो सोचते हैं कि चंगाई मनुष्य का कार्य है। यह तभी होता है जब मनुष्य विश्राम करता है। परमेश्वर कहते हैं मैं कार्य कर सकता हूं, ये मेरा कार्य है। क्या आप सुन रहे हैं? मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा और ये किसी भी छाया से अधिक साबित करेगा कि धार्मिक लोगों की यही मानसिकता है। आप उस औरत की कहानी को जानते हैं जो 18 वर्षों से झुकी हुई थी और वो उठ नहीं पाती थी। वो आराधनालय में थी, यीशु वहां पर थे। यीशु ने उसे आगे बुलाया और कहा, स्त्री तुम अपने रोग से छुटकारा पा चुकी हो। उस पर हाथ रखे और वो सीधी हो गई। अब आराधनालय के नियम को देखें, ये स्त्री एक पासवान है, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस स्त्री पर हाथ रखा, वो सीधी हो गई। वचन 14 को देखिए, पर आराधनालय के अधिकारी ने उत्तर दिया, क्योंकि यीशु ने सबत के दिन पर चंगा किया था। और उन्होंने भीड़ से कहा कि ये 6 दिन लोगों को कार्य करना चाहिए। अब देखिए, कार्य करना चाहिए इसलिए आओ और चंगाई पाओ इन दिनों में। देखिए क्यों उन दिनों में आकर आशीष पाए, क्योंकि उनके मन में चंगाई मनुष्य का कार्य है। मनुष्य को चंगाई के लिए कार्य करना होगा। उन दिनों में जब मनुष्य को कार्य करना होता था, और आजकल कुछ मसीह ये सोचते हैं, मैं पर्याप्त कार्य नहीं करता, मैं चंगा नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं करता, मैं पर्याप्त नहीं करता, मैं पर्याप्त नहीं करता। जिस दिन मनुष्य कार्य करते हैं उन दिनों पर आओ और चंगाई पाओ, परंतु सबत के दिन बिल्कुल नहीं। और पता है यीशु ने क्या उत्तर दिया, ये मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, पाखंडी, क्या के दिन यदि तुम्हारे बैल लगे, क्यों ना ये स्त्री अब्राहम की बेटी होने के नाते सिर्फ होने से ही कार्य करने की, होने से बस केवल विश्राम करने से, केवल संतान होने से चंगाई आपकी है। इसी वजह से हम अपने जीवनों में अधिक चमत्कारों को नहीं देखते हैं, यदि हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे यह करना है, मुझे वो करना है। आप जानते हैं क्या, इब्रानी में राफा शब्द कहिए, राफा, जी हां राफा, जैसे कि यहोवा राफा, मैं प्रभु तुम्हारी चंगाई हूं। ठीक है, चंगाई कहिए, चंगाई दाएं से बाएं, यह इस प्रकार पढ़ा जा सकता है इब्रानी में, इसे दाएं से पे अलफ राफा मतलब चंगाई। अब इस शब्द के शब्द साधन में या फिर इस शब्द की गहरी पढ़ाई इब्रानी के राफा से आता है, जिसका अर्थ है शांत रहो, मतलब रिलैक्स रहो। तो राफा की जड़ है राफा, अंत में हे के साथ, और जिसका अर्थ है शांत रहो। ये कहता है शांत रहो, और ये चंगाई शब्द की जड़ है इब्रानी में। इसलिए बाइबल कहती है, जब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ, उनमें से एक चीज जो होती है वो है विश्राम, वो है शांति। तो आपको अपनी समस्याओं के बीच में जाना चाहिए प्रार्थना के साथ, प्रार्थना करते रहिए। ये मुझे अंतिम भाग पर ले जाता है और मैं इसके साथ अंत करूंगा। यशाया 53 हमारे लिए यीशु के क्रूस पर के कष्ट के बारे में है। अवश्य उन्होंने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दर्द को उठा लिया। वचन 5, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुए, हमारे ही रोगों के लिए उन पर ताड़ना पड़ी। आखिरी पंक्ति, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और वचन 10, ये परमेश्वर को भाया कि यीशु को कुचले और उन्हें दुर्दशा में डाले और वो अपने प्राण के परिश्रम को देखे। वचन 11, ठीक है, उस पर फिर से संपूर्ण अध्याय, मसीह भजन, माफ कीजिएगा, मसीह अध्याय है जो क्रूस पर यीशु के कष्ट के बारे में बात करता है हम सबके लिए। ठीक है, अब देखिए यशाया 45 को, ये यशाया 53 के बाद आता है। ठीक है, 53 उसके बाद 54, आप यीशु द्वारा किए गए कार्य में कैसे सहभागी होते हैं? सबसे पहला शब्द, जय जयकार कर, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, हे बांझ जय जयकार कर तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटी को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और तेरे उजड़े नगरों को फिर से बसाएगा। यीशु के सब कार्य करने के बाद पहली प्रतिक्रिया प्रभु इस बांझ स्त्री से पूछते हैं, एक बांझ स्त्री एक फल रहित स्त्री है, एक बांझ स्त्री जिसका कोई परिणाम नहीं है,
एक ऐसी स्त्री जिसकी देह में स्वास्थ्य का कोई चिन्ह भी नहीं है या उसके बैंक के खाते में बहुतायत का कोई चिन्ह नहीं है। वो बांझ है, शारीरिक बालक के लिए बांझ, आत्मिक फल के लिए बांझ, पैसों के लिए बांझ, स्वास्थ्य के लिए बांझ, केवल बांझ। परमेश्वर कभी मनुष्य को बांझ नहीं रखना चाहते थे। आदमी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और कहा फलवंत हो जा, ठीक है। तो बांझपन श्राप का एक चित्र है। और क्या होता है, परमेश्वर स्त्री से कहते हैं यदि तुम्हें बढ़ना है, छुटकारा पाना है, यदि आपकी कंपनी बांझ है, यदि आपके लाभ बांझ है, तो परमेश्वर कह रहे हैं ये रहस्य है। वचन 2 वचन 3 आप उससे बाहर निकलेंगे, बढ़ने की तैयारी करिए। परमेश्वर कहते हैं बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, आपके कार्य के स्थान को बड़ा करो और कंपनी को बड़ा करो, फैल जाओ, क्योंकि आप इसे तोड़कर बाहर निकलने वाले हैं। एक बात के कारण जो आप करने वाले हैं, वो कहते हैं जय जयकार कर बांझ, जय जयकार कर बांझ। अब यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आप सोचेंगे यह बहुत कठोरता है एक बांझ स्त्री को गाने के लिए कहना। यदि आप उन्हें नहीं जानते, ये बहुत कठोरता है एक बांझ स्त्री को गाने के लिए कहना। पर अगर आप उन्हें जानते हैं तो वे ये कहना चाहते हैं यदि तुम आनंदित रहना आरंभ कर दोगी। आप जानते हैं जब डॉक्टर आपको कहते हैं आपके सभी टेस्ट के बाद आप ठीक हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आप कितने खुश होते हैं। वैसा ही महसूस करना शुरू कीजिए। कैसा महसूस होता है लकी ड्रॉ जीतने पर? ओ क्या बात है, मैं लकी ड्रॉ जीत गया, पहली प्राइज 1 करोड़ रुपए। सौदा या सौदा नहीं, सौदा। आप इस बारे में बहुत खुश होते हैं। आप जानते कैसे खुश होती है, आप कैसा महसूस करते हैं, है ना? आप बिल्कुल ही वैसा महसूस कीजिए। पहले बैठ जाइए, आनंद लीजिए, उस छुट्टी को टालना बंद कीजिए, उस आनंद को टालना बंद कीजिए, ये कहना बंद कीजिए जब ये समस्या सुलझ जाएगी, जब मेरा बच्चा विश्वविद्यालय से पढ़ाई समाप्त कर लेगा, जब वो ये कर लेगा, जब मेरे पास ये आशीष होगी तब मैं विश्राम करूंगा, तब मैं आनंद लूंगा, तब मैं गाऊंगा। तभी आप में से कुछ लोग गाते नहीं है और आप यहां पर आते हैं और आप सोचते हैं कि आप पाखंडी नहीं बन रहे हैं, आप जानते हैं, और क्योंकि मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं अपने हाथों को नहीं उठाऊंगा। और आराधना अगुआ कहता है अपने हाथों को उठाइए, गाइए। आप गाते भी नहीं है, आप इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं आराधनालय का समय जल्दी समाप्त हो जाए। और शैतान यही चाहता है कि आप सोचें कि समस्याओं में गाना एक पाखंड है। जब परमेश्वर कहते हैं कि गा हे बांझ, बहुत सी बांझ लेके वो गाते नहीं, हालेलुया मैं बहुतों की माँ हूं, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, हालेलुया। शैतान कहेगा बहुतों की माता, अपने आप को सारा कहती हो, अपने आप को बहुतों का पिता अब्राहम कहते हो, तुम्हारी संतान कहां है, तुम्हें पाखंडी हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, ये मुझे प्रसन्न करता है, ये विश्वास है। हे हे, ये समाप्त नहीं हुआ है जब तक बांझ गाती नहीं है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप जीवन का आनंद उठाएं समस्या के सुलझने से पहले। और आपके शत्रुओं को चरणों की चौकी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आपके स्वर्गीय पिता की। वो कहते हैं तुम बैठो, विश्राम करो जब तक कि मैं करता हूं। आप जानते हैं यीशु ने मत्ती 11 में कहा सभी परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। याद रखें मैंने अभी आपको क्या बताया कि अनक शब्द का अर्थ है लोहे के गले में लोहे की जंजीर, लोहे का हार, हार नहीं, लोहे की जंजीर गले में लिपटी हुई। अनक शब्द का यह अर्थ है उस भूमि में दानव उनके नाम का अर्थ था गले में लोहे की जंजीर। यह जुआ है व्यवस्था का। आपको याद है यीशु ने क्या कहा था, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, अपने गले में लोहे की जंजीर से बंधे हुए लोगों, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दूंगा विश्राम, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब हमारे पास ये समस्या है कि हम इस वचन को उद्धार के वचन जैसा लेते हैं, लेकिन हर दिन हम विश्राम करते हैं, हर दिन बोझ उठाते हैं। आपको पता है यीशु के पास जाना हमारे लिए प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए और वो आपको देंगे विश्राम। तो उस वचन पर ध्यान ना दें और ये मत सोचें कि ओ ये वचन उद्धार के लिए है, मैंने कई वर्ष पहले ये प्रार्थना की थी। हाँ, हम उद्धार के लिए इसका उपयोग, तो किसी भी चीज से अधिक यदि आप परिश्रम कर रहे हैं और आप बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं और चिंताओं से झुका हुआ, शिक्षा, गृह कार्य, अपनी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, करियर, मकसद, हिस्से, बॉस की अपेक्षा, सहकर्मियों की अपेक्षा, परिवार की अपेक्षा, पत्नी की अपेक्षा, ये आपके कंधों को पूरी तरह से झुका देगी। और यीशु कहते हैं मेरे पास आओ परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जिन पर बहुत सारा बोझ है।
और मैं तुम सबको दूंगा विश्राम। बाइबल हमसे कहती है कि चिंता मत करो, डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। परमेश्वर हमेशा कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत। 365 बार परमेश्वर यही कहते हैं कि डरो मत, डरो मत, हर एक दिन कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक ही स्थान है जहां पर बाइबल कहती है कि भयभीत हो, और यह इब्रानियों 4:1 में। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई भी जन उससे वंचित रह जाए। एक ही डर जिसे परमेश्वर कहते हैं, डरो कि उस विश्राम में प्रवेश ना करो, डरो जिसे तुम वंचित ना रहो, डरो कि तुम शांति से वंचित ना रहो। आप हमारे बारे में कुछ जानते हैं? सब बातें जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि भयभीत ना हो, हम भयभीत होते हैं। पर एक बात के लिए वो कहते हैं भयभीत हो, पर हम भयभीत नहीं होते। और वो कहते हैं डरने के लिए कि आप विश्राम में नहीं हैं। जब आपके विश्राम पर प्रभाव पड़ता है, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, आओ नरक, ऊंचा पानी, सुनामी, मैं इसे अपने विश्राम को छूने नहीं दूंगा, मेरे जूतों के बंद नहीं खुलेंगे, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं बैठ जाऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। जी हां, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, बैठ जाओ जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी ना कर दूं, यीशु के नाम में। और सभी लोगों ने कहा, पास्टर जोसेफ प्रिंस का आज का कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा यकीन है कि आपको आशीष मिली होगी। न्यू क्रिएशन टीवी के बारे में अधिक जानकारी